तो देख सकते हैं हम लोग का फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जोहार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इसको हम छोड़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट उधर बाथरूम में है। तो ये घर जा रही है, कब आएगी रे वापस? जब मन करेगा तब। जब मन करेगा तब आएंगे बोल रही है। तो जाते हैं इसको छोड़ने के लिए बस स्टैंड, छोटी वाली बहन को बस स्टैंड छोड़ के हम घर आ गए। कपड़ा धो रहा है भाई। आज छोटी वाली बहन गई सुबह सुबह घर, और फिर वहाँ जाते ही पता चला कि मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ है। हम लोग को फ़ोन की, बोली मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ है। हम लोग बोले क्या हुआ? उसके बाद फिर पता चला कि घर में वैसे कोई नहीं था, मम्मी थी और पापा गए हुए थे खेत साइड। तो फिर छोटी वाली बहन ही हॉस्पिटल लेके गई मम्मी को। तो फिर मम्मी को हॉस्पिटल में पानी चढ़ा 3 बोतल। उसके बाद फिर शायद मम्मी, मतलब पानी जैसे चढ़ते गया वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक होते गई। तो फिर वही, मतलब कितना बजे मेरी बहन घर पहुंची होगी, 9:30-10 बजे तक पहुंच गई। उस टाइम पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते जाते हमको लगता है 11:30 बज गया होगा। उसके बाद फिर 12 बजे आसपास पानी सब चढ़ाया गया। तो 1 बजे तक भी फ़ोन किए थे तो बोली कि पानी चढ़ ही रहा है ऐसे। तो फिर बस वही सब हुआ और हम लोग घर में हैं, 2 बहन और 1 भाई। तो कुछ मन नहीं लग रहा है घर में, तो फिर यही सब कर रहे हैं। और मेरा कुछ पेंडिंग नोट्स अभी रह गया है, जो कि अभी छुट्टी है तो फिर कर ले रहे हैं। तो फिर दिखाते हैं हम कैसे कर रहे हैं उसको। देख सकते हैं हम बिस्तर में ही बैठे हैं और यहीं पे कर रहे हैं, यहाँ बुक रखे हैं और यहाँ पे नोट कॉपी। तो जाते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हम लोग तरफ हो गई है रात और अब जाएंगे हम लोग सोने के लिए। आप लोगों को बताया था ना मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो शाम में ही ठीक हो गई थी बात करने जैसे। तो पर हम लोग बिजी थे तो बात नहीं किए। और दीदी अभी बतिया आ रही है मम्मी से, और मेरा छोटा भाई ये आम ये कर बना रहा है खाने के लिए कच्चा वाला। तो यही मम्मी से अभी छोटी दीदी बतिया आ रही है, मम्मी और छोटा, मतलब अरे मेरी दीदी और छोटा वाला भाई बिस्तर में बैठ के उलंग बतिया आ रही है। तो हम बैठे हैं स्टडी टेबल पे। तुम नींबू भी डालेगा क्या? तो अपना भाषण दो। आम में बताइए तो कौन नींबू डालता है? एक तो आम ऐसे भी खट्टा ही होगा हमको लगता है ये वाला। हम बना रहे हैं। हाँ तो बनाना। अब चुप हो गया अपने थकला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा छोटा भाई बना रहा है आम। तो टेस्टी बना रहा है भाई। तुम तो हमें चित्र पर रहा है यहाँ से। गुड इवनिंग दीदी। तो देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है आम, जाएंगे अब खाने के लिए। इतना मिर्चा मत डाल भाई, साड़ा दे, अच्छा से बनाओ। तो देख सकते हैं हम लोग का तो पापा को तो पता भी नहीं था, आम तैयार हो गया। गाय का छुआ लग गया है, फिर फूलन बोले लाल मिर्ची मत डालना बल्कि फिर भी डाला है इसमें लाल मिर्ची है। मुंह में पानी आ रहा है। जंगल गए इतना, जंगल तरफ से आने ही नहीं।